हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे थॉर लवेंडर मूवी के एंडिंग की थ्योरी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्पॉलर वार्निंग देना चाहता हूँ, बिकॉज ये थियरी है तो सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को स्पॉलर वार्निंग देना चाहता हूँ। तो अब मैंने स्पॉलर वार्निंग दे दिया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं थियरी को। तो थियरी के अकॉर्डिंग थॉर लवेंडर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाएगा कि वेलकरी बन जाती है एसगार्ड की न्यू किंग और सैरा बन जाती है एसगार्ड की न्यू क्वीन। और बात करो थॉर की, तो थॉर बन जाता है ऑल फादर और वो लेते हैं रेस्ट और रिटायर भी हो जाता है। और बात करो बेटा रेबिल और जेन फॉस्टर की, तो वो दोनों रिप्लेस कर देते थॉर को और बेटा रेबिल गैलेक्सी का थॉर बन जाता है। और बात करो जेन फॉस्टर की, तो वो अर्थ को गार्ड करती है, यानी कि अर्थ की बन जाती है थॉर। और इसी के साथ मेरी थॉर लवेंडर मूवी की एंड की थियरी खत्म हो जाती है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा पार्ट सही लगा। मुझे बेटा रेबिल और जेन फॉस्टर वाला पार्ट सही लगा कि वो दोनों रिप्लेस कर देंगे थॉर को और बेटा रेबिल संभालेगा गैलेक्सी को और हमारी जेन फॉस्टर संभालेगी अर्थ को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये थियरी का, यानी कि जो मैंने वेलकरी के बारे में बताया वो, या फिर थॉर के बारे में, या फिर जो मैंने लास्ट बताया है बेटा रेबिल और जेन फॉस्टर के बारे में वो। और आप लोगों के पास कुछ थियरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी कुछ भी थियरी हो वो बता सकते हो, कोई नहीं हंसेगा, कमेंट करके बता दो। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो मेरे फैंस है वो वीडियो को लाइक करो और जो हेटर्स है वो डिसलाइक करो, और जो दोनों भी नहीं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।